नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय में चार नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगलुरु से लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उन्होंने कहा, इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिवीजनल कमिश्नरों से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए हर जिले में सरकारी भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करने को कहा। अफगानिस्तान में दक्षिणी जबुल प्रांत में अस्पताल के बाहर एक शक्तिशाली आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए। और चाइना ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, पारूपल्ली कश्यप और बी साई प्रणीत आज दोपहर बाद अपनी प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई सिगरेट के उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री पर अध्यादेश को स्वीकृति दी थी। इस मामले पर गठित मंत्री समूह की अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ई सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पाद जो विशेषकर युवाओं के लिए हानिकारक हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संसद के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब ई सिगरेट का उत्पादन, आयात, निर्यात, लाने ले जाने, बिक्री और उसका विज्ञापन संज्ञेय अपराध होगा। पहली बार उल्लंघन करने वालों को 1 साल की कैद तथा 1,00,000 रूपये जुर्माने का प्रावधान है। अपराध को दोहराने पर 3 साल की जेल और 5,00,000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ई सिगरेट का भंडारण करने वालों को 6 महीने की जेल की सजा या 50,000 रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा के अंतिम दिन नाशिक में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति उदयन जी ने खुद ने मेरे सर पर एक छत्र रखा है। ये सम्मान भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति दायित्व का भी संकेत है। नासिक की पवित्र धरती, महाराष्ट्र के कोटि कोटि जन मुझे आशीर्वाद दें ताकि इसकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी खपा दूं। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क बढ़ाने के लिए 2 चरणों में महाजनादेश यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले के मोझारी से पिछले महीने शुरू हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बंगलुरु से स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को उच्च कोटि की दक्षता हासिल है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब तेजस निर्यात भी कर सकता है। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, एचएएल के ऊपर, आडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है जिसने इसका डिजाइन बनाया है, और एचएएल, डीआरडीओ, यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है कि हम लोग अब स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। एकल इंजन तथा डेल्टा विंग से लैस तेजस का डिजाइन एरोनॉटिकल विकास एजेंसी ने तैयार किया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए किया है। भारतीय नौसेना के लिए तेजस का अंतिम परीक्षण बंगलुरु और गोवा में किया जा रहा है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हाल में संचालन की अंतिम मंजूरी दी गई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सरकारी बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में किफायती कर्ज का दायरा बढ़ाने के लिए रेपो दर से जुड़े बैंकिंग सेवाओं पर चर्चा होगी। बैंकिंग सुविधा घर घर पहुंचाने, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के ऋणों की निगरानी करने, छोटे व्यापारियों की कर्ज आवश्यकताओं, लघु वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज हम मिलेंगे इस गांव की पहली लड़की से, जिसने मेडिकल एग्जाम क्लियर करके अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बधाई हो सपना। थैंक यू। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन आपने ऐसी क्या खास तैयारी की? खास तैयारी तो बाबा ने की। बाबा ने? 4 साल पहले बाबा ने घर पे इज्जत घर बनवाया, तब से बाहर नहीं जाना पड़ा और मैं स्वस्थ और सुरक्षित रह पाई और चैन से पढ़ाई कर पाई। इसी से मेरी तैयारी की शुरुआत हुई। इज्जत घर के इस्तेमाल से सपना की तरह कई और जिंदगियां बदल रही हैं, इसलिए इज्जत घर का इस्तेमाल करते रहिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्च न्यायालयों के 4 मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है। इस तरफ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब तक की सबसे अधिक 34 हो गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। इन नियुक्तियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने 4 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कलेजियम ने 28 अगस्त को इन नियुक्तियों का अनुमोदन किया था। संसद ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा कि देश ने श्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक है। चाहे BS6 में परिवर्तन करने का हो, वन क्षेत्र बढ़ने का हो, या इंडस्ट्री की एनर्जी एफिशिएंसी सुधार के एनर्जी इंटेंसिटी कम करनी हो, पेरिस में जो लक्ष्य भारत ने लिए पूरा हम कर रहे हैं और बहुत सारे नए प्रयोग भी किए हैं, तो ये सारी बातें दुनिया के सामने आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने में उनका राज्य पहले स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 साल पूरा होने पर लखनऊ में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब राज्य को $10 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनकी सरकार के पिछले 30 महीनों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तब किसानों की हालत बेहद खराब थी, लेकिन पहले ही फैसले में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में सबसे ज्यादा 25 लाख घर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में डिफेंस कॉरिडोर में 20 से 25 हजार करोड़ का निवेश होगा और इससे प्रदेश में 2 लाख रोजगार का सृजन होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को एक पत्र सौंपा है और अनुरोध किया है कि जिन मतदाताओं के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें दोबारा अवसर दिया जाना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के डिवीजनल कमिश्नरों से हर जिले में सरकारी भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करने को कहा है। इसका उद्देश्य जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और मेडिसिटी जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए स्थानों को तलाशना है। डिप्टी कमिश्नरों को इस महीने के अंत तक ये काम पूरा करने को कहा गया है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के बाद लगभग सभी स्थानों पर प्रतिबंधों में छूट दे दी गई है। घाटी के 105 थाना क्षेत्रों में से 92 में से निषेधाज्ञा हटा ली गई है। सभी लैंडलाइन टेलीफोन सेवा बहाल कर दी गई है। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी सामान्य रूप से कामकाज हो रहा है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह की मर्द सेलांग सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। ये सीट जेएस सामग्याल के इस्तीफे से खाली हुई है, जो लद्दाख संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजोय कुमार आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सेना, पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय दल ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आए अंतर मंत्रालयीन दल ने आज राज्य सचिवालय में प्रदेश के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद थे। केंद्रीय टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा और उज्जैन में स्थिति का जायजा लेगी। इस दौरान टीम इन सभी जिलों के कलेक्टर से मुलाकात करेगी और पीड़ित लोगों से भी उनका पक्ष जानेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर तमिलनाडु में चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में कल रात और आज सवेरे भारी वर्षा के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक कुछ उत्तरी और मध्यवर्ती जिलों में हल्के से सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान में आज एक शक्तिशाली आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए और 90 से अधिक घायल हो गए। धमाके में एक ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। दक्षिणी जबुल प्रांत की राजधानी कलत के अस्पताल का एक हिस्सा भी इस धमाके से ध्वस्त हो गया और कई एम्बुलेंस गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुईं। प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष अत्ताजान हकबयान ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के भवन की दीवार भी धमाके से क्षतिग्रस्त हुई है। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि एक सरकारी खुफिया विभाग के भवन को निशाना बनाकर ये विस्फोट किया गया था। चाइना ओपन बैडमिंटन के एकल मुकाबलों में आज दोपहर बाद पारूपल्ली कश्यप और बी साई प्रणीत अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इससे पहले भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स मुकाबले से बाहर हो गई। आज ही सात्विक और अश्विन पोनप्पा मिक्स डबल्स में जापान के युकी काने को और मिसाकी मात्सुतोमो का सामना करेंगे। तमिलनाडु की टीम 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में आज खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु ने मध्य प्रदेश को 4-2 से हरा दिया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के संयुक्त मोर्चे ने नए मोटर वाहन कानून के कड़े नियमों के विरोध में आज राजधानी दिल्ली में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल को देखते हुए कई स्कूल आज बंद हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगलुरु से लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उन्होंने कहा इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डिवीजनल कमिश्नरों से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए हर जिले में सरकारी भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करने को कहा। अफगानिस्तान में दक्षिणी जबुल प्रांत में अस्पताल के बाहर एक शक्तिशाली आत्मघाती हमले में 20 लोग मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।